जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, जो शब्द है, शब्दों की ताकत अनेक गुना होती है। मैं काफी दफे बता चुका हूं कि जिसको आप मंत्र बोलते हैं, जिसको आप बहुत हेवीली लेते हैं, जिसका आप बहुत भार समझते हैं, एक्चुअली वह शब्द भी, ये जितने भी शब्द हैं, ये हर एक शब्द जो हम नॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, यह शब्द भी एक मंत्र ही है। क्योंकि जब मैं आपसे कुछ कहूँगा और आप जब उसको प्रॉपरली समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप घर में कोई सदस्य हैं, आप पिता हैं, यदि आपने अपने पुत्र को कुछ कहा और उसने उसको शब्द सब मान लिया, तो उसने मंत्र का काम किया उन शब्दों ने, और आपका पुत्र वो काम कर देगा, आपका बच्चा वो काम कर देगा। सेम इसी तरीके से है ये मंत्रों का भी। जब आप मंत्र को बहुत सही तरीके से बोलते हैं, सही समय पर बोलते हैं, सही जगह पर बैठ करके बोलते हैं, तो ये उतना ही असरदार होता है कि जितना हम नॉर्मल बातचीत में किसी को कुछ काम कहते हैं और वो कर देते हैं। बहुत सिंपल चीज है। आप कभी भी ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि आप किसी को गुस्से में कोई बात कह दीजिए, तुरंत वहां पर झगड़ा हो जाएगा। किसी को प्यार से कुछ कह दीजिए, बातें बन जाएंगी। तो शब्द ही है संपूर्ण संसार में जो गूंज रहा है, जो बातें बना रहा है, जो काम बना रहा है और काम को बिगाड़ रहा है। तो ऐसे ही आज कुछ शब्द मैं आपको बताने वाला हूं कि इनको आप बोलते हैं तो इनको बोलने से आपके जो कोई भी कार्य होंगे वो कार्य आपके बन जाएंगे। जिस किसी भी काम के लिए आप जाएंगे वो काम आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारे वीडियो आप तक आसानी से और तेजी से पहुंच सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का उपाय। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन से इस क्रिया को आपको प्रारंभ करना है। शनिवार सवेरे जब आप उठते हैं तो बिस्तर में बैठे बैठे ही, आपको जब आप सोने के लिए जा रहे हैं या आपका घर है, तो आपको ठीक से याद कर लेना है कि आपके घर में पूर्वोत्तर दिशा कौन सी है। जब आप सवेरे बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर में बैठे ही बैठे पूर्वोत्तर दिशा की तरफ आप मुख कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें और तीन बार मैं जो बोलूंगा उसको आपको बोलना है। मम सर्व कार्य दक्ष कुरु कुरु स्वाहा, इस चीज को आपको तीन बार बोलना है। मम सर्व कार्य दक्ष कुरु कुरु स्वाहा, इसको आपको तीन बार बोलना है। शनिवार के दिन से आपको इसको प्रारंभ करना है, लगातार 21 दिनों तक आपको बोलना है। वैसे तो आप इसको एवरीडे बोलें, नहीं तो 21 दिनों तक आप इसको बोलें, और इसके बाद में जब भी आपको किसी भी कार्य के लिए जाना है तो घर से निकलते समय सिर्फ इसे तीन बार बोल करके निकल जाए। जिस किसी भी काम में जाएंगे निश्चिंत होकर के चले जाए, आपका वो काम अवश्य बन जाएगा। शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है, लगातार 21 दिनों तक बोलना है, सवेरे उठते ही बिस्तर पर बैठ करके पूर्वोत्तर दिशा में मुख रख करके बोलना है। इसके बाद जब भी आप किसी कार्य में जाएं, कार्य करने के लिए जाएं, घर से बाहर पैर निकालते समय इसको तीन बार बोलें और निकल जाएं, आपके सारे ही काम बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।